आज हम बनाएंगे आलू दम बिरयानी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसको दही के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, और आलू तो सभी को पसंद होता है, इसको ज़रूर ट्राई करें। हम आलू बिरयानी के लिए आलू लिए हैं और छोटे छोटे साइज में लिए हैं, और आलूओं में हम इस तरह छेद कर दिए हैं। सभी आलू में इस तरह हम कर लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी कढ़ाई गरम हो रही है और इसमें हम डाल देंगे घी। घी को गरम हो जाने देंगे। हमारा घी गरम हो चुका है। आलू को हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे और इसको पक जाने देंगे। आलू को निकाल लेंगे। आलू अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। एक चम्मच हम डाल देंगे जीरा और हाफ चम्मच हम शाही जीरा लिए हैं, इसको भी डाल देंगे। और एक हरी मिर्च लिए हैं, तीन चार लाल मिर्च लिए हैं, सूखी मिर्च, और लौंग लिए हैं, और ये पत्ता है, इसको भी हम डाल देंगे। थोड़ी सी डाल देंगे काली मिर्च, सात आठ दाने थे। ये देखिए हमारा बघार हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। हम इसमें दो प्याज लिए थे, इसको डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन और अदरक, एक इंच अदरक लिए थे और एक चम्मच हम लहसुन लिए हैं। इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे नमक। नमक डालने से प्याज गल जाएगा। हमारे मसाले भूंज रहे हैं, उस टाइम हम चावल पका लेंगे। और चावल हम उसी तरह पकाएंगे जिस तरह चावल पकाते हैं। हम इसको धो लिए हैं। एक कटोरी हम चावल लिए थे, इसमें हम दो कटोरी पानी लेंगे। हम इसमें एक कटोरी चावल लिए हैं और इसमें हम दो कटोरी पानी लेंगे। हम चावल में एक चम्मच डाल देंगे घी और चावल को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक सीटी देंगे। प्याज को हम अच्छी तरह गला लेंगे और इसमें हम एक चम्मच डाल देंगे धनिया। हाफ चम्मच हम डाल देंगे हल्दी। थोड़ा सा हम मिला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे पानी। इसको अच्छी तरह भूंज लेंगे।
प्याज गल चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। हम दो टमाटर लिए हैं। और हमारा चावल पक चुका है, हम एक सीटी लगाए हैं और मीडियम स्लो में नहीं, हाई में गैस किए थे। और इसको भी हम गल जाने देंगे टमाटर को। एक चम्मच हम डाल देंगे नमक। हम टमाटर गलने तक इसको भूंज लेंगे। हाफ चम्मच हम डाल देंगे पीसी मिर्च। हमारे मसाले भूंज गए हैं, अब इसमें हम डाल देंगे आलू। आलू में हम छेद करके डाले हैं, और अगर आप छेद करेंगे उसके अंदर मसाले चले जाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगा। हम इसमें थोड़ा सा दही लिए हैं, हम 3 चम्मच लिए हैं, और इसको हम फेंट लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे पानी, आलू को अच्छी तरह से गल जाने देंगे। ये देखिए हमारा आलू पक चुका है, देखिए हम काट के दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें डाल देंगे मसाला, 1 चम्मच हम लिए हैं, ये दम आलू का मसाला है और इसको हम घर में बनाए हैं। और गैस का फ्लेम स्लो रखे हैं, मसाला को लास्ट में डालना चाहिए। अब इसमें हम डाल देंगे दही, इसको फेंट के रखे हैं, और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारा आलू दम तैयार हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा डाल दिए हैं धनिया पत्ती। ये बाउल में हम थोड़ा सा निकाल लिए हैं चावल।